गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का सेल्फ प्रैक्टिस मैं 4B स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस 4A तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है। जस्ट इससे पहले आपको ये भी बोला हूँ कि जितने भी एक्सरसाइज पढ़ा दिया गया है उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझसे पूछिए। आज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉपी एंड मल्टीप्लाई इसके बारे में पढ़ाना है मुझे, यानी गुणा करना। जैसे 1943 × 6, 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आपका होगा 18। 18 में जो फर्स्ट नंबर पर वंस प्लेस पे जो होता है डिजिट उसी को लिखते हैं, यानी 8 आपका 1 कैरी हो गया। 4 का टेबल 6 बार पढ़े या 6 का टेबल 4 बार, कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 24, और 24 में 1 प्लस कर देंगे तो 25, 25 का ये 5 लिखेंगे। ध्यान रखना है कि डिजिट के सामने ही होना चाहिए, न लेफ्ट और न राइट, एकदम एक दूसरे के, जिसको कि आमतौर पे कहते हैं कि सुझाई पर, यानी कि एकदम सीधे होना चाहिए। 6 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 54, और 54 में ये 2 प्लस कर देंगे तो 56, 56 का ये 6 लिख देंगे, ये आपका कैरी हो गया, यानी कैरी मीन्स हासिल। 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 6, और 6 में 5 प्लस कर देंगे 11। फिर एक बार चेक कर सकते हैं आप। 6 × 3 = 18 का 8 कैरी 1, 6 × 4 = 24 1 प्लस कर दिए 25 कैरी 2, 6 × 9 = 54 54 में 2 प्लस कर दिए तो 56 कैरी 5, और 6 × 1 = 6 = 5 = 11। ऐसे ही आप सी नंबर पर ध्यान दीजिए। सी नंबर है 6009, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 54 होगा, 54 का ये 4 लिख देंगे, ये आपका कैरी हो गया। 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, लेकिन 0 में जब 5 प्लस करेंगे तो 5 होगा। 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, और 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 36 होगा। ध्यान रखना है कि जब ऊपर में आपका 4 डिजिट है 1, 2, 3, 4, अगर नीचे में 5 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में 1 डिजिट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके सीधा, यानी यहाँ डिजिट लिखेंगे और एक यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है, लेफ्ट साइड में बढ़ते जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को ध्यान दें। 8, 7, 7, 2, 5, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 2 अंक का है। 5 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो 35, 35 का ये 5 लिख देंगे, आपका 3 कैरी हो गया। 5 का टेबल 7 में पढ़ेंगे 35, 35 में 3 प्लस कर देंगे तो 38, 38 ऐसे लिखते हैं, ये 8 लिख देंगे, ये कैरी हो गया। 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 40, अब 40 में 3 प्लस कर देंगे तो 43। फर्स्ट डिजिट को क्रॉस यानी उसके नीचे कर देंगे, क्योंकि वंस से तो समय मल्टीप्लाई हो गया तो वंस प्लेस को छोड़ देंगे। अब मैं टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो टेंस प्लेस से भी लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 14 का 4 कैरी 1, क्योंकि 1, 4, 14 ऐसे लिखते हैं, जब वंस प्लेस का डिजिट लिख देंगे तो आपका 1 बच गया, यानी कैरी हो गया वो। 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो 14, अब 14 में 1 प्लस कर देंगे 15, 15 15 लिखते हैं, ये 5 आप यहाँ उठाकर लिख देंगे, 1 आपका कैरी हो गया। 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 16, और 16 में 1 प्लस कर देंगे तो 17। अंत में जो डिजिट आता है उसको लिख दिया जाता है, भले वो वंस में आए, टेंस में आए या हंड्रेड्स में आए, क्योंकि इसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, अंत में जो आता है उसी को लिखते हैं। फिर एक बार चेक करेंगे। 5, 7, 35 कैरी 3, 5, 7, 35 में 3 प्लस 38 कैरी 3, 5, 8, 14 में 3 43, 2, 7, 14 का 4 कैरी 1, 2, 7, 14 और 1, 15 का 5 कैरी 1, 2, 8, 16 और 16 में 1 प्लस कर दिए
17, 5 का 5 आपका हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, 5 3 8, आई 8 में 1 कैरी प्लस कर देंगे, 9, 9 में कैरी नहीं होता है ये ध्यान रखना है, 7 4 11 का 1 कैरी, 1 आ 1 आ 1 कैरी 2। इस प्रकार आपका 877 में 25 से मल्टीप्लाई करने पर 21,925 आपका ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, आपको अब सॉल्व करना है। जैसे 2 नंबर, ए टोटल ऑफ 2718 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए स्कूल कंट्रीब्यूटेड 75 रुपीज ईच फॉर द फ्लड रिलीफ फंड, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। कह रहा है कि 2718 विद्यार्थी एक विद्यालय में पढ़ते हैं और वो लोग बाढ़ में यानी पीड़ितों की मदद के लिए आपका एक स्टूडेंट 75 रुपीज दे रहा है, तो टोटल स्टूडेंट मिलकर के कितना रुपए दिया, यानी कि आपका टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, तो देखिए उस पर भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2718 ये टोटल स्टूडेंट्स हैं और ऑल एक एक स्टूडेंट्स जो है 75 रुपीज दे रहे हैं, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। 85 जा 40 का, ये 40 है, 40 का 0 कैरी 4, 5 जा 5, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, 5 का टेबल 7 बार तो 35, 35 का ये 5 लिख देंगे कैरी 3, अब 5 टू जा 10, और 10 में ये 3 प्लस कर देंगे 13, 5 एट जा 40 का 0 कैरी 4, 5 वन जा 5 फॉर 9, 5 सेवन जा 35 का 5 कैरी 3, 5 टू जा 10 और 3 13, फर्स्ट को क्रॉस कर देंगे। 7 एट जा 56, 56 का ये 6 से लिख देंगे कैरी कितना हो गया आपका 5, 7 वन जा 7, 7 में 5 प्लस कर देंगे 12, 12 का ये 2 लिख देंगे और ये आपका 1 कैरी हो गया। 7 7 जा 49, अब 49 में 1 प्लस कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा 50, 50 का ये 0 लिख देंगे कैरी आपका 5 हो गया। आप 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 14, अब 14 में 5 प्लस कर देंगे तो 19, फिर एक बार चेक कर लेंगे 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 वन जा 5, 5 में 4 9 प्लस कर देंगे तो 5 सेवन जा 35 कैरी 3, 5 टू जा 10 और 10 में 3 प्लस करेंगे 13, 7 एट जा 56 कैरी 5, 7 वन जा 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 7 सेवन जा 49 और 1 50, 50 के 0 कैरी 5, 7 टू जा 14 और 5 19, ये 0 का 0, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 5 टू जा 7 5 टू 7 और 1 कैरी 8, 3, 9 1 10 का 0 और 1 एक कैरी 2। इस प्रकार 20,000, 10,000, 1,00,000, 10,000, 2,00,000, 3,850 रुपीज आपका आ गया, यानी कि आप लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया आपका रुपीज 203850, ये आपका नहीं, ये आप मिटा देंगे 203850। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर, ईच डे
115 एरोप्लेन्स डिपार्ट फ्रॉम एन एयरपोर्ट, हाउ मेनी प्लेन्स डिपार्ट इन ए ईयर 365 डेज। कह रहा है को 115 एरोप्लेन्स जो है एयरपोर्ट से डिपार्ट हो रही है, तो ऐसे ऐसे 360 आपका दिन में कितना प्लेन्स जो है वो डिपार्ट होगी, यानी वन ईयर में, और वन ईयर यानी 365 डेज में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 275 बैलून्स इन ए पैक। कह रहा है एक पैक में 275 बैलून्स है, हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन टू डजन सच पैक्स। तो कह रहा है दो दर्जन पैक्स में कितने बैलून होंगे, तो वन डजन में होता है आपका 12 वैल्यू होता है, तो टू डजन मीन्स 24 हो जाएगा। अब 24 में 275 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा आपका बैलेंस हो जाएगा। इस तरह करके आप वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन बच जाएगा उसको घर पर अच्छी तरह से आपको बनाना है। थैंक यू।